YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। छतरपुर हाई स्कूल के समीप हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पीड़ित सगी बहनों से मिलने जनता दल यूनाइटेड नेत्री सुधा चौधरी आज डाल्टनगंज के सदर अस्पताल में पहुंची। दुष्कर्म की शिकार हुई दोनों बहनों से मिलकर उन्होंने स्वास्थ्य का हाल जाना और पीड़िताओं को ढाढ़स बंधाते हुए अन्याय से लोहा लेने की सीख भी दी। वहीं पत्रकारों से रूबरू होकर सुश्री चौधरी ने कहा कि दुष्कर्म की घटना के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में सकारात्मक संदेश फैल सके। पता चला कि बच्ची लोग रो के बता रही है, हम लोग के साथ जो हुआ हम लोग कभी इस तरह की घटना के विषय में कभी सोचे ही नहीं थे। हम लोग पढ़ने के लिए आए थे 2 महीना 1 महीना पहले यहाँ पढ़ने के साथ, इसलिए हम लोग बाहर निकले जब उसने पालन में घुस गया। कुछ लोग दीदी को का सीट के ले गया और हम लोग के साथ गलत काम किया। आप उसको ऐसा सजा दिलवाइए कि सड़क पर नज़र नहीं आए, क्योंकि वो लोग कह रहा है कि हम लोग फिर ऐसा काम करेंगे और तुम लोग को कहीं के भी नहीं रहने देंगे। हम लोग को डर है कि हमारे, अब वो ये भी कह रही थी कि तुम अगर जिसको बताओगे उसके साथ यही उन लड़के लोग कर... अगर वो लोग तो गलत किया ही है तो उन लोग तो हम प्रशासन वाले से यही कहना चाहते हैं कि देखिए अभी समाज से बिल्कुल ही इंसानियत ख़त्म हो गई है। अगर किसी कोने में इंसानियत बची हुई है तो आप उचित कार्रवाई करें, न्याय के साथ होकर। ये नहीं कि गलत रिपोर्ट आ जाए और गलत चीज़ हम बोल दें कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, चूँकि बच्ची लोग ये स्वीकार कर रही हैं। उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप बच्ची लोग को न्याय दिलवाइए और हम जितने भी लोग हैं बच्ची लोग को न्याय दिलवाने के लिए, अगर सजा नहीं मिलेगा जो दोषी उसके लिए आंदोलन ही करेंगे।